अक्की जयपाल जी, एक तो होता है भी कैमरा सामने है उतने समय प्यार करना है, हाँ। तो वो कैमरे पर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जी ये झूठा प्रेम है, ये झूठा प्रेम है, ये लालच का प्रेम है। एक बहू होती है जी, पास नीचे बैठ जाओ चाहे और इधर उधर ही ना हो, तो वो होता है जी कि सदा जितने दिन पास रहती है उतने दिन प्रेम रहता है। प्रेम रहता है। शानदार गाय दिखाई है भाई साहब ने और शो क्वालिटी की गायें आज के वीडियो में हमने कवर की है। उम्मीद करता हूँ दर्शकों को ये सभी गायें पसंद आई। धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी देखने वालों का, और सबसे धन्यवाद बड़ा है आपका जी, आपके जरिए इतने जो गो प्रेमी है उनके साथ मुलाकात हो पाती है जी, बातचीत हो जी। भाई साहब राम राम जी। राम राम जी, जय गो माता जी। जय गो माता भाई साहब। जय गो माता। आज किस किस नस्ल की गाय दिखाओगे जी? आज जयपाल जी गदरी राठी है जी, हाँ, और एक ब्लैक कलर की राठी है जी। अच्छा जी, बाकी साहीवाल है जी। बाकी साहीवाल है, हाँ जी। तो साहीवाल गाय आपके पास ज्यादा दिखाई दे रही है जी? हाँ जी, अपने पास साहीवाल ही ज्यादा होती है जी, ज्यादा साहीवाल रहती है। गाय तो सारी मिलती है जी, हाँ, लेकिन साहीवाल आजकल ज्यादा डिमांड में, डिमांड में ज्यादा है, तो आपका भी फोकस, आपका भी फोकस साहीवाल पे है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। और एक गदरी राठी खूबसूरत सामने देख रहे हैं जी, ये तो बहुत जबरदस्त है जी, जबरदस्ती लेके आए हैं आज गाय सारी, जबरदस्त जबरदस्त लेके आए, जबरदस्त जबरदस्त लेके आए हैं जी। कंप्लीट डिटेल लेंगे जी आपसे इन सभी गायों के बारे में। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना यहाँ का एड्रेस शेयर कर दो जी। अपना जी गाँव है 19Z 19Z, जिला व तहसील श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान है जयपाल जी। ठीक है जी, मोबाइल नंबर और बता दो जी भाई साहब। अपना जी मोबाइल है 9057815317, 9058715317। दूसरा और एक और नंबर है जी अपना, हाँ, 9680568500, 9680568500 जी। दो नंबर इसलिए जयपाल जी, एक नंबर ज्यादा कॉल आते हैं तो कई भाई परेशान हो जाते हैं जी, फोन नहीं उठाते, तो अगर कोई भाई फोन करता है तो उसको 10 मिनट समय लगता है जी, और 10 मिनट में 10-15 कॉल मिस हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। हाँ जी, या तो भाई कोई व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट देके और मेरे को मैसेज कर दे जी, मैं व्हाट्सएप पे भी जानकारी पूरी दे दूंगा और कॉल करके खुद बता दूंगा, नहीं तो दूसरा नंबर है जी, दोनों नंबर पे आप जानकारी ले सकते हो, दोनों में से किसी नंबर पे भी संपर्क करें। हाँ जी, तो गाय की डिटेल मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। कितनी संख्या में गाय है जी आज? ये आज जयपाल जी 9 गाय लेकर आए जी। 9 गाय हैं। गाय तो अपने पास है नहीं समय जी, गाय बहुत खड़ी होती है जी, हाँ, लेकिन सिलेक्टेड से 9 गाय दिखाने जा रहा हूँ जी, हाँ। थोड़ी गाय होती, ज्यादा मात्रा में गाय दिखाते हैं तो जयपाल जी क्या होता है जी, ना तो पूरी जानकारी भी दे पाते और लेने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है जी। हाँ जी, तो आपके पास लगभग इतनी गाय रहती है जी, जो आज जैसे 15-20 गाय देख रहा हूँ, 15 के आसपास? हाँ जी जयपाल जी, ये तो कम से कम संख्या है जी, 15-20 की तो जी, हाँ, गाय एनी टाइम अपने पास रहती है, जितनी कोई भाई मांगता है, हाँ, उतनी प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है जी, हमारे तो जैसे ही लड़की की शादी करते हैं दाज में भी गाय देते हैं जी। अच्छा, हाँ जी, तो खानदानी अपना ये काम है जी। अच्छा, ये पुश्तैनी गौ पालन का? हाँ जी, पुश्तैनी गाय पालने का पुश्तैनी काम है जी, हमारे जो भी परिवार में हरेक के पास कम से कम 10-15 गाय रहती है। 10-15 गाय रहती है। हाँ जी, हाँ जी, तो गाय पालन लड़की में की शादी करते हैं तो दाज में देते हैं, कोई 5 देता है, कोई 10 देता है, अपने हिसाब से जी, अपने हिसाब से, जैसी उसकी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से। और सारी गाय अपने पास मिलेगी, खरने की गाय मिलेगी जी। हाँ, मैं भी जी, आपने देखा होगा जी, अपने जो भाई इतनी दूर लेके जाते हैं, मेरी सोच ये रहती है जी, जो बंदा 30,000 खर्च करता है उसमें क्षमता है जी 10,000 और भी खर्च कर देगा, लेकिन पशु एक नंबर जाए जी, सस्ती के चक्कर में गलत पशु ना चला जाए, गलत नहीं, बहुत उम्मीद से भाई पशु खरीद करते हैं, बच्चों में घर में बड़ा उत्साह होता है, मैं इतनी दूर से गाय मंगा रहा हूँ, और जैसे मान लो जी आप ही पता ही है जी, 20-25-30 हज़ार रुपए में कैसी गाय आएगी जी, अच्छा पशु लेके जाओ और दो भाई देखने भी आए, घर में भी खड़ी अच्छी लगे जी, और अच्छे पशु की अच्छी कीमत किसान को देनी पड़ेगी जी। सही है जी भाई साहब। हाँ जी, तो सबसे पहले इसी गाय की डिटेल्स शेयर कर दो जी। ये जयपाल जी ताजी ब्याई हुई है जी। हाँ, नस्ल? नस्ल है जी गदरी राठी। गदरी राठी, हाँ जी, ठीक है जी। और ताजी ब्याई हुई, इसने आज इसको तीसरा दिन है जी, हाँ, खीस से खाली नहीं हुई, अभी दूध फट रहा है जयपाल जी। अच्छा, हाँ जी, और मिल्किंग वाला इसका 13-14 लीटर रेडी है जी, दूध 13-14 लीटर दूध तैयार है, तैयार है जी, 2 टाइम मिल्किंग कर लो जी, हाँ, 2 टाइम मिल्किंग करके, 4 टाइम मिल्किंग करके, अगर भाई के पास किसी के पास समय हो तो खुद आए, धार पाउस की हर एक चीज की एक नंबर है जी, उंगली जितनी मोटी धार है जी, जब दूध निकालते हैं तो बाल्टी के आवाज पड़ोसी को सुनेगी जी, ये मेरी गारंटी है जी, धार मोटी है इसलिए, धार मोटी है जी। ठीक है जी,
कीमत क्या रखी है जी? कीमत इसकी है जी, एक ही कीमत है जी 55,000 रुपए। 55,000 देने वाली, 55,000 रुपीज। हाँ जी, दूध इसने 15+ देना है जी। हाँ। दूध हमारे यहाँ पे कोई भाई निकाल ले जी। हाँ। दूध इसका लगभग अभी 14 लीटर के करीबन इसने रेडी कर रखा है जी। अच्छा, 13 लीटर 14 लीटर, जैसे मान लो लीटर बच्चे का निकाल दो, 13.5-6 लीटर की मैं मिल्किंग करवा दूंगा जी। अच्छा जी, और लगातार 3 टाइम 4 टाइम मिल्किंग कर लो जी, देख सकते बाकी हैं। पशु का तो जयपाल जी दूसरी मिल्किंग में पता चल जाता है सही तरीके से, तो दूसरी में एक बार खाली करने के बाद दूसरी जब मिल्किंग होगी हाँ जी पता चल जाता है जी। बाकी शौक से कोई भाई चाहे 4 दिन तक मिल्किंग करे, अपने को कोई जी वो दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं है। हाँ जी ठीक है जी। ये 2 नंबर पे गाय, इसकी और डिटेल दे दो जी भाई साहब। ये जयपाल जी वैसे तो 2 नंबर पे है पर गाय 1 नंबर की है जी। अच्छा, जो खड़ी हुई है जो व्यूअर्स के लिए जो काउंटिंग है वो 2 नंबर की है। हाँ जी, गाय जरूर से 1 नंबर की है। गाय बिल्कुल 1 नंबर की। नस्ल बताओ जी भाई साहब सबसे पहले। नस्ल साहिवाल में है जी। हाँ। खार की है जी, फर्स्ट ब्यांत की। अच्छा, पहले ब्यांत की है। पहले ब्यांत की है जी। हाँ। अभी लगभग ये ले जाएगी 10-12 दिन और ले जाएगी जी। हाँ। अडर ग्रोथ हो गया है जी, बिल्कुल शुद्धी श्याणी है जी, ठंडी सील है जी, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी हाथ फेरो जी। और फर्स्ट ब्यांत की है जी, पहले ब्यांत की। हाँ जी, फर्स्ट ब्यांत में इसने 14-15 लीटर दूध निकालना है जी। अच्छा, 14-15 लीटर तक चली जाएगी। हाँ जी बाबू जी, घराने की गाय है जी। अच्छा, हाँ जी, ब्रीडिंग वाली है। ब्रीडिंग वाली है जी। 14-15 लीटर दूध क्षमता अगर पहले ब्यांत में दे दे तो ब्रीडिंग वाली कहेंगे जी। ब्रीडिंग वाली जी, ब्रीडिंग वाली। ठीक है जी, कीमत इसके लिए क्या रखोगे जी? कीमत इसके लिए जयपाल जी 55,000 रुपए। 55,000। हाँ जी, 55,000 रुपीज। हाँ जी ठीक है जी भाई साहब। तीसरे नंबर वाली गाय और देख लेते हैं। ये जयपाल जी सेकंड ब्यांत में है, बिल्कुल तैयार कर लिया जी अडर, लगभग अभी भी 1 सप्ताह से ऊपर लेगी जी, 10 दिन ले जाए, 9 दिन ले जाए, 11 दिन ले जाए जी। अच्छा, ब्रीड क्वालिटी आप देख पा रहे हो जी। हाँ। शानदार ब्रीड क्वालिटी के जी। हाँ। और दूसरे ब्यांत की है। हाँ। पहले ब्यांत में इसने दूध डाला है 14 लीटर। 14 लीटर। हाँ जी, हफ्ते 10 दिन में ब्याह जाएगी। हफ्ते 10 दिन में ब्याह जाएगी जी। अच्छा जी, और कीमत की बात करें तो इसके लिए लेना देना है जी 65,000 रुपए जी। 65,000 रुपए। हाँ जी, तो ये फाइनल वाले मोल बता रहे हो आप? बिल्कुल फाइनल वाले मोल है जी। हाँ, गाय जैसी देख रहा हूँ, वैसे प्राइस रीजनेबल है बाबू जी? प्राइस रीजनेबल है जी। हाँ, ऑफर अपने है नहीं जी कोई। अच्छा, ऑफर है नहीं, बस गाय ऑफर है जी। गाय खुद ऑफर पे जा रही है जी। गाय क्वालिटी में अच्छी हो तो वो सबसे बड़ा ऑफर, सबसे बड़ा ऑफर ये है जी। हाँ। गाय आगे ऐसी दिखा के। हाँ। और ऑफर बड़ा दिखा दें। हाँ। आप गाय ले रहे हो या ऑफर ले रहे हो जी? सही है जी। ये 4 नंबर पे जी भाई साहब गाय, इसकी और डिटेल दे दो जी। ये जयपाल जी सेकंड ब्यांत में ब्याएगी जी। हाँ। और सिंग वाली गऊ माता है जी। अच्छा जी, साहिवाल ब्रीड में है जी। हाँ। ब्रीड क्वालिटी आप देख पा रहे हो जी। हाँ। उभरी हुई मिल्क वेल है। हाँ। और थन पासा देख लीजिए जी। हाँ। मुट्ठी वाले थने और अलग अलग पड़े हैं जयपाल जी। हाँ हाँ, 4-4 उंगल का तो अभी इसमें ब्लांत है। हाँ। ये लगभग तैयारी में है जी, 9 महीने से ऊपर इसको टाइम चला गया जी। अच्छा जी, और ब्याह जाए 2 दिन में 4 दिन में 5 दिन में ऐसे बच्चा दे देगी बाबू जी। कुछ ही दिन में बच्चा देने वाली है। हाँ जी ठीक है जी। और दूध कितना बना लेगी जी भाई साहब? दूध जयपाल जी इसने देना चाहिए 14-15 लीटर जी। 14-15 लीटर। हाँ जी, 7-7.5 लीटर एक टाइम का दूध देना चाहिए। एक टाइम का दूध, इतना आप अनुमान लगा रहे हो? हाँ जी ठीक है जी। इसकी कीमत क्या रखोगे जी? बिल्कुल जयपाल जी, पतली चमड़ी की गाय है, शांत स्वभाव की गाय है जी। हाँ। गाय सारी अपनी शांत स्वभाव की है जी। हाँ हाँ हाँ। और इसकी कीमत है जी 42,000 रुपए। 42,000 रुपए। हाँ जी, गाय अच्छी है, कीमत भी रीजनेबल रखी है। कुछ स्पेस है जी बार्गेनिंग का? नहीं जी, स्पेस नहीं है जी। हाँ। मान सम्मान करेंगे भाई का। हाँ। जो भाई गाय लेना चाहता है। हाँ। उसको गाय दे के भेजेंगे जी। अच्छा, खाली नहीं जाने देंगे, खाली मन से उसने गाय लेनी हो जी। अच्छा जी। हाँ जी, बाकी जो भाई लेने वाला होगा। हाँ। वो खुद देख लेगा कि इतना रुपया इसका देना पड़ेगा मेरे। हाँ, हाँ, जो देखो माल की कीमत तो देनी पड़ेगी बाबू जी, ज्यादा मैं भी नहीं मांगूंगा और दे के भेजेंगे जी। ठीक है, इच्छा होनी चाहिए। ये 5 नंबर पर है जी गाय। ये नस्ल? ये राठी ब्रीड में है। अच्छा जयपाल जी, बिना सींग वाली? हाँ, बिना सींग वाली है। हाँ। और खार की भी आएगी जी। खार की फर्स्ट टाइमर? फर्स्ट टाइमर। तो ये आपकी दूसरी गाय है जो खार की है? हाँ जी, खार इससे की पहले भी ये खार की दिखाई है, खूबसूरत वाली साहिवाल। हाँ, और कलर पैटर्न देख लो जी, जबरदस्त। हाँ। कलर पैटर्न है। हाँ। और फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में थोड़ा जूम करके दिखाओ जी, आगे तक इसके छाती तक मिल्क वेल उभरी पड़ी है जी। दूध इसने फर्स्ट में देना जी 14 किलो जी। गैप भी थनों के बीच अच्छा है, थनों के बीच फर्स्ट टाइम में रहे तो थन का साइज तो देखो जी, जैसे जैसे ब्यांत नजदीक आएगा, ब्याने के दिन नजदीक आएगा वो बढ़ेंगे। जो कहते हैं ना जी कि अंगूठी के ऊपर नगीना लगाया होता है, वो है इसका स्वभाव जी। हाँ, स्वभाव देखो जी, कितना शांत स्वभाव है। घर में गाय
चाहे दूध लीटर कम दे दे, लेकिन स्वभाव ऐसा होना चाहिए हर बच्चा बूढ़ा उसके पास चला जाए। देखो जी, गऊ इतनी दूर जो मंगाते हैं, कई भाई का तो 20,000 रुपए भाड़ा लग जाता है, 25-25, वो मंगाते हैं किस लिए कि यार गऊ सेवा हो जाए। तो गऊ सेवा हो जाए तो वो दूध तो देखो जी हर जगह भी मिल जाता है, लेकिन गऊ सेवा बंदा बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा रोटी देने जाए और ये सींग में उठा ले, ऐसी गऊ सेवा तो फिर गलत है जी। गलत है। हाँ जी, ऐसी तो लगातार नहीं हो सकती। लगातार नहीं हो सकती जी। ठीक है, कीमत क्या रखी है जी? कीमत ये दे देंगे जयपाल जी आपको 46,000 की। 46,000 रुपीज में? हाँ जी। 46,000 रुपए में गाय दे देंगे, फर्स्ट टाइमर है जयपाल जी, हर घर पशु पहुंचाना है। हाँ। और ओनली मार्जिन, हाँ, अगर कोई भाई लेता है तो हाँ, अपने मार्जिन लेते हैं कोई 1500-2000 इतना ही मार्जिन काफी है जी। ये नहीं है मार्जिन कम है जी, हर हफ्ते आप वीडियो लगाते हो तो हर हफ्ते में जो एवरेज आ जाती है 15-20 गाय की, तो मार्जिन काफी है जी। बाकी पेट तो जयपाल जी भरता ही नहीं, चाहे कितना ही धन हो जाए। कितना ही धन हो जाए। हाँ जी, गो सेवा करनी हो तो धन के पीछे कम और गाय की क्वालिटी के पीछे ज्यादा दौड़ना हाँ पड़ेगा। क्वालिटी आपकी मैं देख रहा हूँ जी, बहुत शानदार रही है। क्वालिटी में कोई गाय देख लो जी, हाँ, एक से एक ऊपर है जी। एक को छोड़ के दूसरी पे लेके जाएंगे वो पसंद आएगी, वो और ज्यादा अच्छी लगेगी। दूसरी पे लेके जाएंगे वो ज्यादा पसंद आएगी। ठीक है जी, तो आगे वाली गाय देख लेते हैं जी आपकी। हाँ जी, ये भी जयपाल जी पहलवान है, लगभग 15 दिन ले जाएगी जी, 6 नंबर पर रहेगा। हाँ जी, ठीक है जी, और बिल्कुल शांत स्वभाव की है जी। तो ये जोड़ी फर्स्ट टाइमर है? हाँ जी, जोड़ी, ये जोड़ी साथ में खड़ी है, ये फर्स्ट टाइमर की, फर्स्ट टाइमर की है। नस्ल भी बता दो जी दूसरे वाली की। फर्स्ट इसकी है साहिवाल है जी। साहिवाल, साहिवाल, एक साहिवाल और दूसरी गदरी राठी। जयपाल जी मुंह से दो ही दांत है जी, उम्र कुछ नहीं इसकी, बछड़ी की। अच्छा। हाँ जी, केयर हुई है, दूध पिया है माँ का इसने टिका के, और तब ये बनी है, और अभी लगभग होगी तो 3-3.5 साल की बच्ची होगी। उम्र 3-3.5 साल होगी है। हाँ, खूबसूरती भी शानदार है और स्वभाव की भी परख कीजिए भाई साहब। देखिए स्वभाव परख कर दिखा रहे हैं, आप भी यहाँ विजिट कर स्वभाव देखें, ब्याई भी गाय की मिल्किंग कर देखें, प्रेग्नेंट का स्वभाव परख लें, और जिन गायों को ब्याने में ज़्यादा टाइम है उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लें। बिल्कुल जी बिल्कुल। और तो सारी तैयार है जी लगभग, अपनी एक गाय है जो 1 महीना ले रही है, हाँ, उसकी प्रेगनेंसी चेक करवाए। हाँ। और मैं बोलकर भी कह देता हूँ जी, पहले अगर कोई कहता है तो स्टाम्प पे लिख के और साथ में भेज दूंगा जी। अच्छा। हाँ जी, प्रेगनेंसी टेस्ट करवा के भी दे दोगे? हाँ जी, अब यहाँ से क्या जी, कई बार चेक करवाते हैं, क्या पता अगले को क्या पता जी क्या है क्या नहीं, तो अपने लिख के भेजेंगे जी 500 रुपए के स्टाम्प पे कि ये प्रेगनेंट है। प्रेगनेंट है जी, जो दिन है भी देखो जी, 1-2 दिन तो भगवान का घर है जी, बंद घड़ा है जी, हाँ, वो 2-4 दिन तो इधर उधर हो जाते हैं जी, हो जाते हैं, वो तो डॉक्टर से भी हो जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और बाकी मैं लिख के भेजूंगा अगर कोई भाई मंगवाता। प्रेग्नेंट की गारंटी, प्रेग्नेंट की गारंटी है जी अपनी। ठीक है जी, तो ये प्रेग्नेंट की गारंटी होगी जयपाल जी, चारों थनों की गारंटी होगी, और जो कोई दूध अपना पीती हो या कोई मान लो लात मारती हो उस चीज की अपनी पूरी गारंटी होगी। दूध आपकी सेवा का होगा जी, सेवा का है, दूध जैसी सेवा खिलाना पिलाना करेंगे। हाँ जी, मेहनत पे है। जयपाल जी जो संभालने वाले किसान है वो खुद समझ जाते हैं कि आज अपने खेती बोते हैं तो मन में तो बहुत होता है कि मेरे को 1 बीघा में 10 क्विंटल निकले, 15 क्विंटल, लेकिन 6 महीने की संभाई जैसी करेंगे वो उतनी देगा मेरे को। खेत तो पड़ोसी का भी वैसा होता है, उसका भी वैसा होता है, किसी में कुछ निकलता है, फसल में फर्क आ जाता है। फसल में फर्क सेवा का आता है जी, खेत फर्क नहीं देता। तो इस गाय की दूध क्षमता भी बता दो जी भाई साहब। इसने फर्स्ट में दे देगी जी 12-13 लीटर खुला निकाल, 12-13 लीटर फर्स्ट टाइमर निकाल देगी। हाँ जी, हाँ जी। और दिन ले जाएगी जी आपके हिसाब से 10 दिन के आसपास? नहीं जी, 15 दिन ले जाएगी। 15 दिन ले जाएगी। हाँ, ठीक है जी। इसकी कीमत क्या रखोगे जी? इसकी कीमत रखें जी 45,000 रुपए। 45,000? 45,000 रुपीज। हाँ जी, ठीक है जी। अगली गाय देख लेते हैं भाई साहब आपकी। ये हो रही जी काली राठी। हाँ जी, इसकी भी डिटेल दे दो जी। ये जयपाल जी अब की बार काला सोना लेकर आए हैं, बड़े हम्प साइज की गाय, बड़े हम्प वाली है। हाँ। घी का भंडार है जी। अच्छा। घी चाहे कोई भाई यहाँ से निकाल के ले जाएगी, दोनों टाइम का घी है ना जी। हाँ। जो अविश्वसनीय होता है जी। हाँ। उस हिसाब से इनका घी निकलता है जी। अच्छा जी। बाकी चमड़ी से और हम्प साइज से पता चलता है जी, अच्छे गीला इनकी गाय है जी। और फर्स्ट में ब्याई है जी, ब्याई को लगभग इसको हो गए जी 6-7 दिन हो गए जी। अच्छा। लगभग इसने जी 11 लीटर दूध तैयार कर रखा है जी। और क्षमता क्या है जी? क्षमता दूध दे देगी 13-13.5 किलो दूध दे देगी। 13-13.5 किलो तक? हाँ जी। ठीक है जी।
कीमत भी बता दो जी भाई साहब। कीमत इसके लिए जयपाल जी 35,000 रुपए है जी। 35,000 और फाइनल 33,000 की देनी है जी। 33,000 रुपए लास्ट। 33,000 33,000 में फाइनल दे देंगे। फाइनल दे देंगे जी। अच्छा, इससे नीचे की गुंजाइश उम्मीद करें जी कुछ? इसके नीचे की गुंजाइश नहीं है जी। इससे नीचे गुंजाइश नहीं है। इससे नीचे को लेने वाला वैसे ले जाए जी, मना तो करेंगे नहीं जी। और क्या जी, वैसे कोई 1,000-1,500 का खेल होता है जी, और क्या जी। ठीक है जी, इस गाय की डिटेल शेयर कर दो जी भाई साहब। ये जयपाल जी दूसरे ब्यांत में है जी। नस्ल जी भाई साहब? नस्ल साहिवाल है जी। साहिवाल, शुद्ध साहिवाल है जी। शुद्ध साहिवाल, हाँ जी। ठीक है जी। और इसको 1 महीना बाकी है जी। प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है। 1 महीना बाकी है। 1 महीना बाकी है जी। हाँ। 15 दिन हो गए लगभग इसको ड्राई किए हुए जी। हाँ, हाँ। और अपने पास ही रही हुई है जी। हाँ। तो लिखित में इसकी गारंटी देंगे जी। हाँ। वो घबराने की जरूरत नहीं। प्रेगनेंसी की? प्रेगनेंसी की। ठीक है जी। अगर कोई भाई बुक करके कोई 10-15 दिन बाद भी मंगवाता है, अंडर स्टार्ट हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूध क्षमता क्या है जी इसकी? दूध क्षमता इसने फर्स्ट में निकाला जयपाल जी 12 लीटर। हाँ जी। इस बार क्या उम्मीद रखी? साथ में इसके बछड़ी थी जयपाल जी। हाँ। तो बछड़ी के लिए रख ली थी। हाँ। बछड़ी अच्छे सीमन की बछड़ी ली थी जी घर के लिए। हुँ। और अब की बार ये प्रेग्नेंट है, सीमन से ही है जी। और 12 लीटर दूध दिया था जी। इसकी कीमत जयपाल जी 50,000 रुपए की दे देंगे। 50,000? हाँ जी। साहिवाल नस्ल की है, 1 महीना ब्याने में बाकी है। हाँ जी। 50,000 रुपए आपने कीमत रखी है और 14-15 लीटर के आसपास दूध दे देगी। दे देगी। आज की वीडियो की लास्ट गाय है जी। हाँ जी। लेकिन शानदार है। लास्ट गाय सबसे बड़ी गाय है जी। लास्ट गाय सबसे बड़ी गाय है। हाँ जी। तो लास्ट गाय का पूरे वीडियो में इंतजार रहता है जी, लास्ट गाय कैसी होगी। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट गाय कम कीमत की होगी, बड़ी ऑर्डर वाली होगी, कैसी होगी, सारे इंतजार करते हैं और लास्ट तक वीडियो देखते हैं जी हमारा। जरूर जी, जरूर। क्योंकि गाय जब हम 10 दिखाते हैं तो 10 की 10 को एक एक करके सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करते हैं। और होना भी यही चाहिए जी, गाय सारी देखो। गाय सारी पहले देखो। सारी गाय देख लो। सही है। कीमत तो जी देखोगे तब सबकी एक एक करके बताते जाते हैं, तो गाय सारी देख लें तो सबसे जो अच्छी गाय होगी वो ढूंढ लेंगे। ऐसा नहीं है जो पहले नंबर पे खड़ी है गाय उसको खरीद लिया, सभी उसी को खरीद रहे हैं। सही है। और लास्ट में पता चलता है कि जितना नीचे जितना गहराई में जाएंगे पानी उतना साफ निकलता जाएगा। सबर का फल बहुत मीठा होता है। मीठा होता है। तो आज के वीडियो में फिर से वही चीज है जी, सबर का फल फिर से मीठा हो रहा है। मीठा हो रहा है जी। कंप्लीट डिटेल लेंगे जी आपसे इस गाय की। साहिवाल ब्रीड में है जी। और शानदार कहो उतनी क्वालिटी में है जी। और बिल्कुल शांत स्वभाव की है। प्रेग्नेंट है जी। लगभग ले जाए 10-12 दिन और लेगी जी। और पहले ब्यांत में जयपाल जी इसने 15+ दूध निकाला है जी। अच्छा जी। हाँ जी। इस बार दूसरे ब्यांत के लिए गैबिन है? दूसरे ब्यांत के लिए गैबिन है जी। हाँ। शानदार क्वालिटी की है, शानदार पीठ पुट्ठे की है जयपाल जी। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है जी। कंप्लीट डिटेल लिए भाई साहब से, साथ साथ आपको चलाकर दिखा रहा हूँ और भाई साहब आपको हाथ फेर कर भी दिखा रहे हैं ताकि स्वभाव की परख कर लें आप। जयपाल जी चाहे 6 महीने का बच्चा छोड़ देना जी, इतना प्रेम हाँ। जो गौ माता में है हाँ। वो अब कोई कहते हैं जी पता नहीं कैसे अभी आपके पास। मैंने कहा जी उससे प्रेम दिखाओ, गौ को पता लगे कि ये पास आ रहा है तो मेरे से प्रेम ही करेगा। आप मत डरो। हाँ जी। आप डरोगे तो गाय भी डर जाएगी। गाय डर जाएगी जी। तो आप नहीं डरोगे तो गाय भी नहीं डरेगी। बाकी जयपाल जी एक तो होता है भी कैमरा सामने है उतने समय प्यार करना है हाँ। तो वो कैमरे पर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जी ये झूठा प्रेम है, ये झूठा प्रेम है, ये लालच का प्रेम है। एक गौ होती है जी पास नीचे बैठ जाओ चाहे और इधर उधर ही ना हो हाँ। तो वो होता है जी कि सदा हाँ। जितने दिन पास रहती है उतने दिन प्रेम रहती है। प्रेम रहता है जी। ठीक है जी। कीमत इसके लिए भी पूछ लेते हैं जी। लास्ट कीमत जयपाल जी 85 की दे दूंगा जी। 85,000 में ब्याने से पहले 85 की दे दूंगा जी। ब्याने से पहले पहले? हाँ जी। तो ब्याने के बाद? ब्याने के बाद के रेट हो गए जी। बाद के रेट होंगे। खर्चा तो जयपाल जी इनका दिया हुआ हम खाते हैं जी, हम तो कौन होते हैं इनको खिलाने वाले जी। और ब्याने के बाद ऐसे सार संभाल हो जाती है जी हाँ। और कोई ब्याने के बाद रेट देखेंगे। बाद के रेट होते हैं। हाँ जी। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ दर्शकों को ये सभी गायें पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर से करें। यहाँ तक वीडियो देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ पवन जी भाई साहब का भी बहुत धन्यवाद। शानदार शो क्वालिटी की गायें दिखाई है जी। उम्मीद करेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही क्वालिटी फिर से नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद है जी देखने वालों का और सबसे धन्यवाद बड़ा है आपका जी। आपके जरिए इतने जो गो प्रेमी हैं उनके साथ मुलाकात हो पाती है जी, बातचीत हो पाती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। जय गो माता। जय गो माता भाई साहब।